महंगाई ऐसी है, हम नोट घर में जमा करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, नोटे कपड़े में भर भर करके बैठे थे, बिस्तर के नीचे रखते थे, उस पर सोते थे। बताओ ये पैसा गरीब का है कि नहीं है? ये गरीब का पैसा लूटा गया कि नहीं लूटा गया? ये पैसा देश के खजाने में वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, 1,000 और 500 का नोट बंद करके अच्छे अच्छों के कपबोर्ड खोल दिया। लेकिन बेईमानों की आदत जाती नहीं, उनके ब्लड में ही बेईमानी घुस गई है। तो उन्होंने क्या सोचा, अच्छा मोदी ने 1,000 और 500 की नोटें बंद कर दी, अब मोदी को हम दिखाते हैं। पिछले रास्ते से नोट बदलने में लग गए। उनको लगता था मोदी को दिखता नहीं है, लेकिन भाइयों बहनों, उन बेईमानों को पता नहीं था कि हमें पूरी जानकारी है कि बेईमान क्या करेंगे, और आज रोज पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं। नोटों के ढेर, सोने के ढेर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सबका पसीना छूट रहा है। भाइयों बहनों, ये सफाई अभियान है, सफाई अभियान। और देशवासियों ने मुझे मदद की है, इसलिए मैं लड़ाई लड़ पा रहा हूं। अगर देश की गरीब जनता का मुझे साथ ना होता तो ये लोग पता नहीं मेरा क्या क्या कर देते।